यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग आए हो? आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कैसे हम दर्श करने वाले हैं जीटी है। तो कैसे, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो कैसे आप लोगों को तो पता होगा कि यार मैं गया था एक अपने दोस्त के पास जिसका काफी ज्यादा बड़ा एक रेस्टोरेंट था, और कैसे हमको जैसे तैसे करके ना अपना जो बिजनेस है वो एक्सटेंड करना था, और कैसे इसलिए ना मैंने उससे जो है वो उसका जो रेस्टोरेंट है वो खरीद लिया है, वो भी $100 मिलियन का। और कैसे अगर आप लास्ट एपिसोड देखा होगा तो कैसे आप लोगों को पता होगा कि वो जो रेस्टोरेंट है काफी ज्यादा बढ़िया है। मैंने उससे कहा था कि यार $50 मिलियन में दे दे, लेकिन कैसे $50 मिलियन में उसने बोला कि ऊपर का बस एक फ्लोर आएगा $50 मिलियन। और कैसे जब मैं उसके घर पे गया था ना, तो उसके घर पे जाके मैंने गाड़ी देखी थी जो कि काफी ज्यादा तगड़ी थी। और कैसे वो जो गाड़ी थी ना वो अकेली $50 मिलियन की थी। और कैसे मेरे को जैसे जैसे करके वो जो गाड़ी थी वो चुरानी थी, क्योंकि वो जो गाड़ी थी ना एक तरीके से लिमिटेड एडिशन थी और पूरे सैन एंड्रियास में एक ही थी। तो कैसे मैंने थोड़ा वेट किया रात होने का, क्योंकि यार मेरे को वो जो गाड़ी थी वो जैसे जैसे करके चुरानी थी। और कैसे जैसे जैसे करके मैं फिर रात होने का वेट किया, और कैसे फिर मैंने अपने मुंह पे मास्क लगा सीधा गया उसके मेंशन पे, और वहां पर जाके जैसे करके ना वो जो गाड़ी थी वो चुरा ली। और कैसे अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जो बेनी है ना वो उसी गाड़ी को मॉडिफाई करने में लगा हुआ है। मॉडिफाई तो नहीं कर रहा, लेकिन कैसे उसके ना मतलब एक तरीके से रिपेंट कर देगा। तो कहते मैंने बेनी को बता दिया है कि क्या क्या करना है, इसका पूरा एक तरीके से पूरा रिपेंट हो जाना चाहिए, और कैसे इसके अंदर से जो भी मतलब ट्रैकर व्रैकर है सब कुछ हटा देगा बेनी। और कैसे अभी आप लोग देख पा रहे, बेनी अपने लगा पड़ा है। मैंने बेनी से बोल दिया कि बेनी यार ये जो काम है ना ये भाई कर दियो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दबाजी नहीं, आराम से प्यार से कर दियो। तो कहते इस गाड़ी को मैं अपनी डेली यूज में लेने वाला हूँ, क्योंकि यार ये जो गाड़ी ना मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, मतलब $50 मिलियन की है भाई, बढ़िया तो होगी। और कैसे अभी ना मैं क्या सोच रहा हूँ, इस गाड़ी से अपन रेस भी करते हैं, रेस होने होंगी यार अभी जाने लॉस एंजेलिस में काफी ज्यादा रेस भी होनी है, तो कब यार पार्टिसिपेट करेंगे यार, अभी इतना काम नहीं है, अभी इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकी तो अच्छा अगर प्राइस पूल होगा तो ही पार्टिसिपेट करेंगे, अगर 10-12 मिलियन का होगा तो इतना नहीं करेंगे, अगर 100-200 मिलियन का होगा तो ही करेंगे। तो अभी ना माइकल के फ्रेंड की मेरे पास कॉल आई है, और जैसे माइकल का फ्रेंड नॉर्थ हैंगटन से यार लॉस एंजेलिस आ रहा है, वो भी काफी महीनों बाद, और जैसे अभी यार मेरे को उसको पिकअप करने चलना है। तो जैसे सबसे पहले तो ये जो गाड़ी दिख रही है ना अपने शोरूम की गाड़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी को उठा के निकलते हैं भाई। अभी ना मेरे को सीधा एयरपोर्ट जाना है, और कैसे जो मतलब माइकल का फ्रेंड आ रहा है ना उसे पिकअप करते हैं और सीधा उसके मेंशन में छोड़ते हैं, और कैसे देखते हैं यार क्या सीन है, बाकी इतने सालों बाद आ रहा है तो यार कुछ तो बनते ही आराम से। तो जल्दी से इसी गाड़ी को लेके निकलते हैं, बड़े प्यार से लेके निकलेंगे। बाकी तो ये वाली गाड़ी ना काफी ज्यादा सही लग रही है, ऊपर से जब तक इनका हुड नहीं हटता ना, एक इसे देख लो, अबे भाई अंधा है क्या, इसे दिख नहीं रहा भाई, अंधों की तरह काटे जा रहा है भाई, इतनी ज्यादा तेज स्पीड भगाने की जरूरत क्या है, मैं इसका मुंह तोड़ दूं और कुछ नहीं। तो जल्दी से अभी निकलते हैं आगे तरफ। एक तो यार यहाँ जो यहाँ के ड्राइवर है ना, पता नहीं भाई कौन से सस्ते नशे करके, कौन सा गांजा चरस पी के यहाँ पर जो है वो गाड़ी चला रहे होते हैं। तो कोई नहीं, कैसे अपन लोग निकलते हैं सीधा यार एयरपोर्ट के लिए। तो कहते हैं एयरपोर्ट जाने से पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, तो कहते जो माइकल का फ्रेंड आ रहा ना नॉर्थ हैंगटन में, उसका काफी एक बड़ा मेंशन भी है, तो कहते इस गाड़ी को तो लेके मैं नहीं जाने वाला, ये तो नॉर्मल गाड़ी है, लॉस एंजेलिस में हर किसी के पास ये जो गाड़ी ना ये मिल जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ ना अपनी ना लिमो लेके चलते हैं, उसको भी थोड़ा चमका देंगे भाई साहब, हम भी है ना थोड़ा अमीर हो चुके हैं, अपने भी अच्छे खासे रेस्टोरेंट है और यार शोरूम भी है। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ ना, अभी ना अपनी जो लिमो है वो अपने घर पे खड़ी है, तो अभी जल्दी से अपने घर पे चलते हैं और वहां से लिमो उठाते हैं और तब चलेंगे यार एयरपोर्ट के लिए, थोड़ा चमकना भी तो चाहिए भाई, कि हमारे पास ही पैसा है, कहां कब पर ले जाएंगे यार इतना पैसा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं करता हूं 800 लाइक के लिए, तो भाई पूरा करा देना। तो अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर फॉलो कर सकते हो। तो जल्दी से निकलता हूं यार माइकल के घर के लिए। ओके, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे, मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते पहुंच चुका हूं अपने घर पे आराम से। भाई साहब यहां पर इतनी भीड़ भाड़ कैसे हो रखी यार, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो यहां पर ना पता नहीं क्या ही सीन है, इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी है ना यार, तो पता नहीं यार क्या यहाँ के जो लोग हैं, पता नहीं यार कभी छुट्टी होती भी नहीं होती भाई, पूरे दिन काम करते रहते हैं यार। ये कोई नहीं, अब यहाँ पर जो इस गाड़ी को यहीं पे लगाते हैं, बैनी को मैं बोल दूंगा कि उठा के लीजिए, या बैनी के उठा के लेकर जाएगा कोई और वर्कर, मैं बोल दूंगा तो वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अपने जल्द से लिमो उठाते हैं यार, कोट पैंट तो पहने हुए हैं, कोट पैंट की दिक्कत की नहीं है। यहाँ पर जल्द से अपनी लिमो को उठाते हैं, और भाई सब क्या तगड़ी लिमो लग रही है, एक आराम से आराम से आराम से। भाई गेट कैसे बंद नहीं हो रहा? ओके, तो यहाँ पर जो है वो गेट ही बंद हो चुका है। और कैसे मैंने बैनी से बोल दिया था कि इस लिमो में ना काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर दियो, इस वाली लिमो में भी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर दी थी आराम से। भाई साहब कितनी ज़्यादा बड़ी लग रही है, लॉस एंजेलिस में हमारी लिमो चमक रही है। तो कैसे जल्दी से इस लिमो को लेकर निकलते हैं यार एयरपोर्ट पे, और वहाँ पर जो है माइकल का फ्रेंड आया हुआ है, तो कैसे अभी ना उसको कॉल करके पूछना पड़ेगा कि यार कब तक आ रहा है आराम से। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते यार अभी ना एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, और बेटा जी गेट खोलते नहीं तो आज सही में उसको कूट दूंगा मैं आराम से। यहाँ पर जो भाई साहब गेट तो खोल दिए बड़े प्यार से, मतलब कैसे इसने ना लिमो को देख के गेट खोल दिया, अगर मैं कोई बेकार सी गाड़ी लाता ना तो यार अभी ना ये गेट नहीं खोलता और बाहर से बाहर भगा देते हैं भाई यहाँ के लोग, पता नहीं क्या ही सीन है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर जो है मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ, और कैसे सारे के साथ जितने प्राइवेट है वो है ना जेट है, हैंगर नंबर 1 में आते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे को दो प्लेन तो दिख रहे हैं, मतलब प्लेन क्या दिख रहे हैं, जेट दिख रहे हैं यहाँ पर आराम से। ओ भाई आराम से, तो कहते यहाँ पर जो ओ भाई साहब
इसने अपना प्राइवेट जेट भी खरीद लेगा, मेरे को तो ऐसा कुछ लग रहा है। और कहते सर ये रहा भाई साहब, तो कहते सर इसको है ना काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग का शौकीन है, और कहते इसलिए भाई टी शर्ट भी नहीं पहन के आया, ऊपर से कच्चे में और आ गया, पता नहीं क्या सीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहते सर ये जो माफिया ना काफी ज्यादा बड़ा माफिया है, नॉर्थ एंड में काफी ज्यादा चलती है, तो पीछे वाला प्लेन भी इसी का ही है क्या, मेरे को तो ऐसे कुछ लग रहा है। और भाई बस वस भी खड़ी है, आप लोग इसके गार्ड्स देख पा रहे हो काफी ज्यादा है। तो कहते ये ना माइकल काफी अच्छा फ्रेंड है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर इससे बात करता हूँ। कैसे यहाँ पर जो मेरी इससे बात हो चुकी है सर, अब ये अपने मेंशन में लेके जा रहा है मुझे, ये कह रहा है कि जल्दी से जल्दी चलो मेरे मेंशन में, और कहते ये जो है अपना मेंशन मेरे को दिखा भी देगा, तो जल्दी से आके बैठ जा। और किधर की तरफ है भाई, अच्छा अच्छा आ रहा है भाई साहब आगे मेरे साथ ही आके बैठ जा यार, पीछे क्या आके बैठेगा, तो कोई नहीं यार इसको पीछे बैठने देते हैं। बाकी तो आप लोगों को मैं एक बार दिखाता हूं अंदर से भाई पीछे किधर की तरफ बैठा, ओ भाई साहब कितनी ज्यादा पीछे बैठा भाई। अपन लोग निकलते हैं यहां से, जो इसके गार्ड्स हैं ना वो भी यार अभी ना गाड़ी वाड़ी लेके जो है इसके मेंशन में पहुंच जाएंगे। और कहते ये बोल रहा है कि यार अभी ना इसका जो मेंशन है काफी ज्यादा बड़ा है, अभी चल के देख लेते हैं भाई कौन सा मेंशन है। बाकी तो यार अभी ना ये जो बंदा है ना ये काफी ज्यादा मतलब नॉर्थ हैंगटन में रहता था, और कहते अब ये ना ये काफी सालों बाद यहाँ पर आया, तो यार इसको है ना मतलब यार अभी यहाँ पर से कोई दोस्त वोस्त भी नहीं है, माइकल इसका काफी अच्छा दोस्त था, तो कोई नहीं यार यहाँ पर जो गेट तो खोल दो भाई आराम से भाई गेट जो है वो खुल चुके हैं। अब जल्दी से इस गाड़ी को लेकर निकलते हैं। एक तो यार ये जो गाड़ी है लिमो काफी ज्यादा लोड ले रही है, पता नहीं क्या सीन हो गया, मैंने तो इसमें यार मॉडिफिकेशन कराई थी, मैंने बहनी से बोल दिया था कि यार गाड़ी ना काफी तगड़ी कर दी हो, मतलब ऐसा कर दियो कि यार थोड़ा सा एक्सेलरेट देते ना भग जाए 100 की रफ्तार से, लेकिन यार ये तो काफी ज्यादा टाइम ले रही है, तो कोई नहीं अभी गाइस जल्दी से निकलते हैं। ओके जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते यार इसके ना मेंशन में आ चुका हूँ, अभी जल्दी से अंदर की तरफ निकलते हैं। और आप लोग इसका मेंशन देख पा रहे हो कितना ज्यादा बड़ा है भाई, और यहाँ पर गार्ड्स भी आ चुके हैं भाई, गार्ड्स तो अभी यार एयरपोर्ट पर खड़े थे, तो मुझे क्या लग रहा है ना गाइस यहाँ पर जो है ना मैं लीमो को काफी धीरे धीरे भगाता हुआ लाया था, अपनी लीमो काफी धीरे धीरे चल भी रही थी, और बहुत सारे में इसने जो है ना गार्ड्स अपने बिछा रखे हैं यार। गाइस इसने ना पहले ही जो मैंने खरीद लिया था, तो कोई नहीं यहाँ पर जो मैं जल्दी से इसको उतार देता हूँ। बाकी तो अब यार इसे जल्द से बात करता हूँ कि यार यहाँ पर क्यों आया और किस लिए मकसद है यार, अच्छा खासा नॉर्थ हैंगटन में रह तो रहा था, पता नहीं क्या सीन है। और गाइस इसका जो मेंशन काफी ज्यादा बड़ा है, एक बार अंदर की तरफ चल के देखूंगा मैं। बाकी तो ओ भाई साहब कितना ज्यादा मस्त है भाई, तो के तो है किधर भाई, मैं इससे बात करता हूँ और पूछता हूँ क्या मकसद है इसका यहाँ पर आने का, तो मेरे को तो कुछ अलग ही लग रहा है बेटा, है किधर की तरफ, ये तो गाइस वो घूम रहा, अबे भाई घूम कह रहा भाई, तो जल्दी से मैं यहाँ पर इससे बात करता हूँ। तो कहते यहाँ पर मेरी अंडरवाटर माफिया से बात हो चुकी है, और कहते ये जो बंदा है ये बोला कि यार नॉर्थ एंगटन में इसके ऊपर काफी ज्यादा तगड़ा एक हमला हुआ था, जो कि यार किसी गैंग वालों ने किया था, और कहते इसलिए ना ये बसता हुआ यहाँ पर आ चुका है। और कहते अब ये बोला कि अब यार नॉर्थ एंगटन कभी नहीं जाने वाला, यार नॉर्थ एंगटन जाएगा तो दोबारा इसकी गैंग से लड़ाई होगी, और कहते ये जैसे जैसे भग के यहाँ पर आ चुका है। और कहते अब यार जो गैंग वाले हैं उनको कुछ नहीं पता है कि यार ये जो बंदा है अंडरवाटर माफिया ये भग के यहाँ पर आ गया, तो कोई नहीं यार अब यार गैंग वैंग का जो सीन है ना पता नहीं क्या ही सीन है भाई। गाइस ये जो बंदा काफी ज्यादा पंगे वंगे लेता रहता गैंग के, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, अपन लोग निकलते हैं यहाँ से। और गाइस अभी मेरी इससे बात हुई थी, तो ये बोला था कि रात के टाइम में यहाँ पर जो वो पार्टी होने वाली है, मेंशन में पार्टी हो रही है, तो गाइस इसने मेरे को इन्वाइट करा है, करेक्ट यार रात के 9 बजे आना ही आना है, तो चल के देख लेते हैं क्या ही पार्टी होने वाली है यहाँ पर। तो बाकी तो भाई सब एक तो यार गैंग से बसता हुआ है, ऊपर से पार्टी और रख रहा है भाई, कैसे से बंदा है भाई, तो कोई नहीं कहते अपन लोगों को जाके बस खाना खाना है वहाँ पर पार्टी में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से अपनी गार्ड को यहाँ से भगाता हूँ, मतलब अपनी लीमो को यहाँ से भगाता हूँ। और सीधा मैं क्या सोच रहा हूँ ना, तो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ ना, फ्रैंकली को साथ लेके चलते हैं पार्टी में, वो भी थोड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि अभी ना जो फ्रैंकली है ना वो यार गैंग वैंग के साथ रहने लगा है, पता नहीं क्या सीन है यार, मैंने उसको कितनी बार मना कर दिया कि गैंग वैंग के साथ मत रहे, लेकिन गाइस वो जो बंदा है ना वो अलग ही सीन है, वो सोच रहा है कि यार गैंग के साथ रह के वो काफी ज्यादा बड़ा इंसान बन जाएगा, पता नहीं यार वो उसकी जो सोच है ना भाई कितनी गिर चुकी है। तो गाइस जो फ्रैंकलिन है ना वो एक तरीके से मतलब जो दोस्ती है ना उसमें दरार पैदा करने के खुद से काम कर रहा है। तो गाइस जल्दी से निकलता हूं मैं फ्रैंकलिन वहां पर, तो गाइस फ्रैंकलिन जो है ना वो मुझे भी यार बैलासैंग के एरिया में होने वाला है, मुझे पक्का पता है, घर पर तो रहते नहीं है वो ना ही बेस में रहता है, तो अभी जल्दी से बैलासैंग के एरिया में चलते हैं और उसको यार अपने लीमो में बैठा के लाएंगे और सीधे पार्टी में चलेंगे अपना कोट वोट पहन के आराम से मस्ती से। तो जल्दी से निकलता हूं मैं बैलासैंग के एरिया में। ओके जैसा कि आप लोग सामने देख पर मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते अभी यार बैलासैंग के एरिया में जा रहा था, लेकिन कैसे तभी यार मेरे को एक आइडिया है कि यार अब ये ना अपना जो रेस्टोरेंट है उसको भी देखते हुए चलते हैं ना, मतलब कितना चल रहा है वहाँ पर। जो है मैंने लमार के जो दोस्त है ना उसको बैठा रखा था आराम से, ना गाड़ी को मैं कहाँ लगाऊँ यार, गाड़ी को यहीं पे लगाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है आराम से। तो यहाँ पर जो अपना शो अपना जो रेस्टोरेंट है वो यहीं की तरफ है, और ट्रक वाले भाई साइड में से निकाल लियो, स्क्रैचेस नहीं आनी चाहिए सही में, नहीं तो उसका मुँह तोड़ दूँगा। अब जल्दी से अंदर रेस्टोरेंट में निकलते हैं। कैसे मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, यहाँ पर जो है थोड़े से लोग खड़े हैं,
तो कोई नीचे की तरफ चले देता हूँ। नीचे की तरफ जो है वो ये है, मतलब असली जो है अच्छा खासा जो है डाइनिंग टेबल वेबल बिछा रखे हैं, और नीचे की तरफ जो है यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और सर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे भाई साहब यहाँ पर गाना वाना चल रहा है क्या? मेरे को तो ऐसा कुछ लग रहा है। और सर अभी ना अपना जो रेस्टोरेंट है वो एक तरीके से चल चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो चुकी है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर जो है बस मैं चेक करने के लिए आया था कि यार यहाँ पर भाई चल भी रहा है नहीं चल रहा। कभी यार खरीद के तो मैंने रख लिया, लेकिन कैसे चले ना तो यहाँ पर जो है ना बिजनेस एक तरीके से ठप पड़ जाएगा। तो कोई नहीं, जल्दी से मैं यहाँ से बाहर की तरफ निकलता हूँ। यहाँ से मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ, जल्दी से अपनी लीमो को उठाते हैं किधर की तरफ अपनी लीमो ये। और कैसे अभी जा रहा हूँ सीधा मैं यार बैला सिंह के एरिया में। और कैसे मेरे को बैला सिंह के एरिया में ही जाना था, वो तो मैं अपने जो शोरूम था ना वो बीच रास्ते में पड़ रहा, तो मैं आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर भाई मेरे जैसे एक और लीमो है, लेकिन भाई क्लोन है और ऊपर से इसने कलर भी अलग है। हमारी जो लीमो वो पूरी गोल्ड में है भाई साहब, किसी की टक्कर नहीं है। तो जल्द से अपनी गाड़ी कहाँ से भगाते हैं, मतलब अपनी लीमो को यहाँ से भगाते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, मैं अपनी लीमो को लेकर आ चुका हूँ यार बैला सिंह के एरिया में। और यहीं पर जो यहाँ पर फ्रैंकलिन तो होना ही चाहिए। एक मिनट भाई साहब, ये कर क्या रहे यहाँ के लोग? ओ भाई साहब एक मिनट भाई, ये मकैनिक वकैनिक यहाँ पर कैसे आ चुके हैं? ओ भाई गाड़ी तो काफ़ी तो बढ़िया ले रखी है। ओ भाई, तो भाई ये टेररिस्टों की तरह ऊपर कैसे चढ़ के बैठे हैं भाई? कुछ अलग ही प्लान लग रहा है मेरे को तो यार इनका। तो कैसे मुझे क्या लग रहा है ना, फ्रैंकलिन ने भाई इनको कुछ ना कुछ सिखा रखा है। तो कोई नहीं, तो सामने की तरफ जो है ना मेरे को फ्रैंकलिन दिख चुका है। अभी जल्दी से पहले तो सब बात करता हूँ। और कैसे आप लोग ऊपर की तरफ देख पा रहे हो भाई कैसे बैठे हैं भाई? तो कैसे पूरा एक तरीके से इन्होंने तो अपना टापू बना रखा, मतलब एक तरीके से अड्डा बना रखा है। अड्डा तो है इनका, लेकिन कैसे मेरे को क्या लग रहा है ना, यहाँ पर किसी का अटैक होने वाला है क्या? ये तो ऐसे रेडी हो रखे हैं जैसे यार किसी का अटैक हो रखा हो, होने वाला हो, और ये तुरंत की मतलब रेडी, मतलब ये तुरंत ये भी अटैक के लिए रेडी। तो कैसे जल्दी से पहले तो इसे बात करता हूं फ्रैंकलिन से। भाई सुन ले फ्रैंकलिन, आप लोग देख पा रहे हो भाई बिल्कुल भी सुनने के लिए राजी नहीं हो रहा। ओके, जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पर, यहां पर जो है मेरी फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है। तो कैसे मैंने फ्रैंकलिन से बताया कि यार अभी ना मेरे एक दोस्त की पार्टी है तो उसमें चलना है तेरे को। और कैसे फ्रैंकलिन ने तो साफ मना कर दिया। ओ भाई एक मिनट, अबे तेरी भैंस की, ओ भाई एक मिनट, अबे भाई साहब ये कौन है भाई? इसकी ऐसी की तैसी, अबे रुको इनकी भैंस की टांग, मैं इनको कुछ बोल नहीं रहा भाई साहब, क्या बदतमीजी है भाई ये। इन्होंने खुद से मतलब जो है ना गन चलाने स्टार्ट करा है। तुम्हारी भैंस की टांग, निकल जाओ सारी सारे ऐसे। मुझे क्या लग रहा है फ्रैंकलिन ने तो नहीं बोला, अबे भाई तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं फ्रैंकलिन को मान नहीं चाहता, ये फ्रैंकलिन गैंग है, लेकिन कैसे अब ना इन्होंने खुद से पंगा लिया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो यहाँ से। मैंने कुछ बोल रहा, ओ भाई साहब, अभी ये आरपीजी कौन चला रहा है? तेरी भैंस की टांग, निकल यहाँ से, और भी चलाई जा रही है। एक मिनट में तुम्हारी ऐसी रहसी, निकलो सारे सारे आज यहाँ से। ओके तो कैसे यहाँ से जल्द से निकलना पड़ेगा। और कैसे यहाँ पर जो है काफ़ी खतरनाक सीन हो चुका है, अपनी लीमो को लेकर निकलते हैं भाई यहाँ से। ये तो भाई पागल हो चुके एक तरीके से। मैंने इनसे बात करी थी बस आराम से, और कैसे ये तो मतलब लड़ना चाह रहे हैं आराम से। अबे भाई पटाखे कहाँ छोड़ रहे हो भाई? तो जल्दी से लेकर निकलते हैं। और कैसे मैंने इनसे पंगे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता, नहीं तो यार पिटा जाएंगे और कुछ नहीं। और कैसे जल्दी से निकलते हैं अपन लोग यहाँ से। यहाँ पर जो ना एम्बुलेंस भी आ चुकी है। अबे हटा ले भाई, इसको इतनी बड़ी गाड़ी दिख नहीं दिखा। तो कैसे यहाँ जल्दी से निकलते हैं। तो कैसे यहाँ पर ना मैं फाइट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब ये ना जो फ्रैंकलिन गैंग है ना, ये अब यार अनकंट्रोल हो रखी है। ऊपर की तरफ इतने सारे बंदे थे, मैं नहीं चाहता कि यार फ्रैंकलिन की मेरे से लड़ाई होगी, अपनी दोस्त में कोई दरार आए। तो अपनी आप लीमो देख पा रहे भाई सब क्या ही हालत कर रखी है लीमो की इन्होंने। ओ भाई, तो यार मेरे को क्या करना है ना, पहले तो यार इसको ना शोरूम के अंदर छोड़ जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था अभी ना फ्रैंक को साथ लेके चलते पार्टी में, अच्छा खासा यार मौज मस्ती करते। लेकिन गाइस यार ये जो बंदा है ना फ्रैंकलिन भाई, ये हाथ तले निकल चुका है। अब यार मेरे को नहीं समझना है, इसने बोल कर अटैक करवाया था। पीछे की तरफ से भाई एक बंदा आया था ना चाकू लेके, उसने मेरे पर घोपना स्टार्ट कर दिया था। तब यार मेरा जो मूड है ना वो खराब हो गया था। अभी फ्रैंकलिन ने ये बचने नहीं वाला भाई, सही में ये इसका मत्था तो तोड़ दूँ और कुछ नहीं। गाइस अभी ना मैंने ट्रैवर को बता दिया ना ये बात कि यार फ्रैंकलिन ने मेरे पर हमला करवाया, तो भाई ट्रैवर तो सीधा आरपीजी लेकर आएगा भाई। वो नहीं दे है कोई कुछ है, वो सीधा यार आरपीजी उड़ा के सारे बाला से आएंगे ना उसको खत्म कर देगा। तो बस सीधा अपनी लीमो को लेकर चलता हूँ अपने घर पे, फिर वहाँ पर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं, रात होने का वेट करते हैं, और यार उसकी पार्टी में चलते हैं। तो यार अभी ना मेरे बिल्कुल भी ट्रैवर को ये बात बताने वाला कि यार बाला से आएंगे मेरी फाइट वाइट होती है, यार फ्रैंकलिन है, इसने मेरे पर अटैक करवाया था। तो छोड़ते हैं अभी जल्द से मैं यहाँ से आगे तरफ निकलता हूँ। कैसे मैं आराम से पूछ रहा था फ्रैंकलिन से, लेकिन जैसे फ्रैंकलिन कह रहा है कि जल्द यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं। एक तो भाई इसको पूछो पार्टी के लिए, ऊपर से भाई चोड़ा और हो रहा है, पता नहीं किस बात का घमंड आ चुका है। तो कोई नहीं, जल्द से निकलते हैं अपने घर के लिए। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, मैं अपने घर पर आ चुका हूँ। जिमी बेटा क्या कर रहा है भाई बाहर? तो कोई नहीं बेटा, जिमी जल्दी से अंदर आ जा। और लीमो की हालत है ना पूरी खस्ता हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर जो मैं लीमो को लगा देता हूँ, वो तो कोई नहीं बाद में जो है इसको रिपेयर करा दूंगा। और कैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे भाई, मेरे को भी ना काफ़ी सारी जो है यहाँ पर गोली लग चुकी है। गाड़ी तो यार मैं अपनी मैं सोच रहा हूँ टायर्स लेकर चला जाऊँ वहाँ पर, मतलब पार्टी में। तो अभी जल्दी से पहले तो अंदर की तरफ निकलते हैं, और ये सारा का जितना भी ये ब्लड चिपक रहा ना, ये पहले क्लीन विलीन भी करना है। और पहले तो मैं थोड़ा ना सो जाता हूँ, क्योंकि रात को जो है ना पार्टी वार्टी होने वाली है। तो ऊपर की तरफ चलता हूँ। बेटे जिमी तू भी आ गई ऊपर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर अपना सो लेते हैं जल्द से। और कैसे सीधे निकलते हैं उसके बाद यार पार्टी में।
और कैसे अंडर वाटर माफी वहीं पे होने वाला है। और कैसे यहाँ पर जो मैं सो के उठ चुका हूँ और यहाँ पर जो है ना मैंने अपने कोट पैंट मतलब जो भी कपड़े पड़े ना वो भी साफ कर लिए हैं। कभी यार अंडर वाटर माफी को ये ना लगे कि यार मैं लड़ाई वड़ाई कर रहा हूँ, तो कोई नहीं अभी जल्द से निकलते हैं। और कैसे अभी ना काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुके हैं हम, बाकी तो उसने 9 बजे का टाइम दिया था और अभी ना 9:30 हो चुके हैं, तो कोई नहीं। तो कैसे मैं क्या सोच रहा हूँ ना अभी ना अपनी लैम्बोर्गिनी टायर्स को लेकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं लिमो को जाऊँगा खस्ता हालत में तो यार कुछ अलग ही इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं पहले सोच रहा था लीमो को लेकर जाने की, लेकिन अब है ना लीमो की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है वो तो चलने के लायक भी नहीं है। तो कोई नहीं अपनी जो गाड़ी है टायर जो कोई लेकर चलते हैं वहाँ पर जल्दी से और देखते हैं क्या होता है। बाकी तो कैसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यार जो फ्रैंकलिन है ना इसने क्या करना चाहिए, इसने हम पर अटैक करवाया पीछे से किसी बंदे ने अटैक कराया यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ ना फ्रैंकलिन को किडनैप करके इसके मत्थे उत्थे पर मतलब एक दो डंडे मारते हैं तब इसका मुझे लग रहा ना थोड़ा बुद्धि ठिकाने पाएगी। पता नहीं बुद्धि जो है ना इसकी कहाँ पर जा चुकी है। एक तो भाई इतने ज़्यादा नशे वशे करने लगा है ना, गांजा चरस काफ़ी ज़्यादा पीने लगा है, उससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इसके दिमाग में पड़ा है। गैंग वैंग के साथ भी रह रहा है तो गज जल्द से निकलते हैं भाई। रात भी हो रही है तब भी यार, एक तो यार रात हो रखी है तब भी भाई यार ट्रैफिक है ना वो कम नहीं हुआ यार लॉस एंड का। ओके जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पर मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते ना अंडर वाटर माफी के मेंशन में आ चुका हूँ। यहाँ से अपने को सीधे लेफ्ट तरफ ना आराम से जो गेट है वो खुल चुका है और भाई साहब जी कोई भी नहीं है क्या, मेरे को तो ऐसा कुछ लग रहा है। पार्टी शार्टी चल भी रही है नहीं चल रही या मैं अकेले ही आ चुका हूँ। ओके इतना अंधेरा कैसे आराम से आराम, यहाँ पर जो है गार्ड्स वार्ड्स भी खड़े कर रखे हैं भाई, मेरे को जाने का रास्ता देते थे और भाई साहब सामने की तरफ गाड़ी आ रखी है भाई। यार ये क्या गाड़ी है भाई, एक मिनट। तो यहाँ पर जो है पहले तो मैं अपनी गाड़ी की जो है लाइट ऑन करता हूँ। सामने की तरफ जो है ना मेरे को गाड़ियाँ दिख रही है, आप लोग देख पा रहे हो भाई सब। अबे ये F1 कार कौन लेके आ गया भाई, कितनी ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है भाई। F1 भी लेके आ गए और यहाँ पर भाई साहब अंदर की तरफ भी मतलब जो है थोड़ा टेबल टेनिस खेला जा रहा है। इतनी रात को टेबल टेनिस क्या करोगे भाई। और भाई साहब आप लोग इसके दोस्त लोग की गाड़ी देख पा रहे हो भाई, सारी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी है। और ये वाली गाड़ी कौन सी है भाई, ये तो काफ़ी तगड़ी लग रही है भाई, ये तो बुकाटी लग रही है। लेकिन कैसे ये बुकाटी क्लोन है भाई, ये बुकाटी थोड़ी नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। तो कोई नहीं गाइस गाड़ी सही है। और गाइस है अंडर वाटर माफिया किधर की तरफ है भाई, सुबह होती आई है। और भाई यार सही में सुबह होती नहीं आई, मुझे लग रहा ना काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। अंडर वाटर माफिया किधर की तरफ है भाई साहब, यहाँ पर जो है लाइट काफ़ी ज़्यादा लगा रखी है। ओके तो सामने की तरफ जो है मैं जल्दी चल के देता हूँ। और भाई साहब मेरे को जो है ना वो यहीं से नाचता हुआ दिख गया, देखो यार कैसे नाच रहा है मजे से। अब भाई मेरी भी सुन ले भाई, पूरा नाचने मगन हो रखा है, देखो भाई कैसे नाच रहा है भाई साहब। ओके ओके तो कोई दिक्कत की बात है, यहाँ पर जो काफ़ी सारे बंदे आए हुए हैं तो मैं थोड़ा आगे आगे की तरफ चल के देख लेता हूँ। बाकी तो आप लोग इसका घर देख पा रहे हो भाई, कितना ही ज्यादा बड़ा है भाई। ओके अबे भाई इसको क्या दौरे वोरे पड़ गए क्या भाई, घुसा घुसा चला रहा है। अबे मेरे को जाने दो भाई, एक इसको देख लो भाई। ओके जल्दी से अंदर की तरफ निकल। ओ भाई सब क्या ही सीन है यहाँ पर, जो सब मौज मस्ती मार रहे हैं अपना। तो ओके तो यहाँ पर जो व्यू भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रहा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कितना ज़्यादा बढ़िया मैंशन है यार इसका। ओके तो कोई नहीं। और यहाँ पर भाई खाने पीने का जुगाड़ की तरह भाई, हमको खाने पीने का चाहिए। और भाई साहब तुझे क्या हो गया भाई, ऐसे लग रहा है किसी ने मार मूर के बैठा दिया हो। बेटा खा ले आराम से यार, नाच वाच ले, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, आज मत ऐसा कर। और भाई साहब ये कैसे नोट का भाई, कैसे अजीब अजीब से लोग आ रखे हैं पूरे, मतलब यार पूरे ना मुझे लग रहा है नॉर्थ एंटन से यहीं आ चुके हैं। और भाई साहब स्कूल जाने की बदले यहाँ पर मतलब यार नाच रहा है, वो भी बैग वैग लेके। और भाई साहब बंक बंक कर रखा है क्या, मेरे को तो ऐसा कुछ लग रहा है। ओके तो यहाँ पर जो भाई टेबल टेनिस भी खेला जा रहा है। और भाई सुबह हो गई क्या, मेरे को तो ऐसा कुछ लग रहा है। ओ भाई साहब ओके तो भाग्य तो खाने पीने का जुगाड़ की तरह है। तो कहीं जल्दी से पहले तो अंडर वाटर माफी से बात करता हूँ, वो तो भाई नाचने में ना पूरा मतलब बियर पी के फुल सेट हो रखा है वो तो। अब भाई उसे तो होश भी नहीं है किसी चीज़ का। तो कोई नहीं यहाँ पर जो जल्दी से बात करता हूँ। और भाई साहब मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई हो चुकी है, तुम अपने लड़ते रहो। और भाई मेरे को जाने दो उधर की तरफ भाई, क्या ही सीन है आराम से आराम से। तो भाई मेरे को जाने दो भाई, यहाँ डीजे वीजे कितना तेज बजा रखा है इन्होंने। ओके तो कोई नहीं मैडम जी मुझे जाने दोगे उधर। अब भाई यार मुझे जाने दो भाई, कि जान भी तेरी ऐसी की तैसी बेटा, घुसे घुसे पड़ जाएंगे और कुछ नहीं। अपन लोग यहाँ जल्द से अंडर वाटर माफिया से बात करते हैं, बाकी तो भाई बिल्कुल भी इन्हें सुनने के लिए राजी नहीं हो रहा। तो कहते पैसे तो उसने काफ़ी ज़्यादा खर्च कर दिया पार्टी शार्टी में, तो मैं जल्द से यहाँ पर इससे बात करता हूँ। और भाई साहब ये तो बात सुनने के लिए राजी नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन लोग निकलते हैं यहाँ से भाई। पूरा मतलब एक तरीके से चुल हो रखा है, पी के फुल सेट हो रखा है। तो कोई नहीं, और कहते अभी ना भाई आप लोग देखो भाई सुबह भी हो चुकी है एक तरीके से। अगर जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं यहाँ से, बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर ना कुछ फायदा नहीं हुआ आने का। एक मिनट ओ भाई किसी ने गोली चलाई क्या, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने यार गोली, एक मिनट यहाँ पर कोई गोली चला रहा है। एक मिनट यार यहाँ पर जो है मेरे को किसी ने गोली चलाई, मेरे को ऐसा लग रहा है। कहाँ पर है बेटा, कहाँ पर है शकल दिखा। एक मिनट यहाँ पर जो है कोई बंदे आए क्या बेटा, कौन तुम्हारी भैंस की टंग, कौन सा गोली चला रहा है बे, सामने आ एक बार। कोई से ने तो गोली चलाई थी मेरे को ऐसा लगा, और मेरे पर गोली लगी भी है भाई, किसी ने तो गोली चलाई थी गाइज, मेरे को ऐसा लगा यार, पता नहीं कौन था, लेकिन गाइज मेरे को किसी ने तो गोली पक्का चलाई थी। तो एक बार ऊपर की तरफ चल के देता हूँ बेटा, इनका ना मैं भूत बना दूँ और कुछ नहीं। ओ भाई एक मिनट यहाँ पर जो गोली चली है, ओ भाई किधर की तरफ है बेटा, आ जाओ आज
तुम्हारी ऐसी की तैसी, कौन से चोर हो रहा भाई, इधर की तरफ आ, इसकी भैंस, ओ भाई अब तुम्हारी ऐसी की तरफ, अबे ये बंदा कौन आ गया भाई, एक मिनट ये आ कैसे का भाई, एक मिनट एक मिनट, ये बंदे हैं कौन, तेरी ऐसी तैसी निकले आ जाए, यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे आ चुके हैं, पता नहीं कौन सी गैंग है ये, आ ये गैंग मेरे को यार कौन सल्वाडोरन गैंग लग रही है, पता नहीं बैलेंस गैंग लग रही है, इनमें से तो कोई ना कोई तो गैंग है, बेटा आ जाओ आ जाओ, आज सबका भूत बनेगा, ओ भाई एक मिनट यहाँ पर तो भाई मारे जा रहे हैं, कवर लेके मारना पड़ेगा, यहाँ पर जो जल्द से निकलना पड़ेगा, पहले तो अंडर वाटर माफिया को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ना गैंग वैंग का अटैक हो रखा है, और भाई इसकी इधर की तरफ अंडर वाटर माफिया, एक तो यार अंडर वाटर माफिया ने इतने नशे वशे कर रखे ना, ओ भाई एक मिनट ओ तुम्हारी ऐसी तैसी, अभी यहाँ के ऊपर कैसे आ गए भाई, तो कैसे यहाँ पर ना मुझे लग रहा है पीछे के रास्ते से ना यहाँ पर आ चुके हैं, तुम्हारी भैंस ने निकले यहाँ से, तो ओ भाई तो यहाँ पर जो काफी सारी जो है गोली चलनी स्टार्ट हो चुकी है, बेटा सब भाग जाओ आज, ओके तो कहते ओ भाई भाई सब भाग चुके हैं यहाँ पर, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बेटा भाग जाओ सारी सारे यहाँ से, तो कहते हाँ एक मिनट इनकी ऐसी की तैसी, बेटा रुको तेरी भैंस ने रुको मैं वहीं आके मारो तुझे, तेरी भैंस ने निकले यहाँ से, एक मिनट तेरी ऐसी तैसी निकले यहाँ से, ओ भाई सब यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो हैं वो ऑलरेडी पेल चुके, और भाई यहाँ पर जो काफ़ी सारी गाड़ियाँ वाड़ी थी वो किधर चली गई, तो कहते यहाँ पर जो ना मुझे लग रहा है सारी जो गाड़ियाँ भाग चुकी हैं, बेटा इतनी देर से मारे जा रहा है मैं कुछ बोलने तो बेफालतू के पंगे ले रहा हूँ, और कैसे आप लोग देख पर भाई सुबह भी हो चुकी है, और एक दो बंदे और गोली चलाते हुए दिख रहे हैं, बेटा आ जाओ किधर की तरफ वो, एक मिनट कोई तो गोली चला रहा है और दिख नहीं रहा बंदे किधर की तरफ है, बेटा किधर की तरफ है शकल दिखा अपनी, इसकी ऐसी की तैसी, तो कैसे यहाँ पर जो है मेरे को जल्दी से अंडर वाटर माफिया से बात करनी पड़ेगी, भाई अंडर वाटर माफिया किधर है किधर की तरफ भाई, भाई तेरी ऐसी और नहीं नहीं है तो कोई और, तो और भाई सब यहाँ पर कोई बंदा नहीं बचा, ओ भाई तो कहाँ चले गए सब के सब, ओ भाई तो कैसे मेरे को लग रहा है सब डर के भाग चुके हैं, अंडर वाटर माफिया को भाई ढूंढूंगा किधर की तरफ मैं, तो कैसे अंडर वाटर माफिया ने मेरे को एक बात बताई थी कि जब वो नॉर्थ हैंगटन से यहाँ पर आ रहा था ना, तो मतलब कैसे उसकी ना लड़ाई हुई थी नॉर्थ हैंगटन में गैंग वालों से, तो कैसे इसलिए ना वो यहाँ पर भाग के छुपने के लिए आया था, तो कैसे ये वही तो गैंग नहीं है, या मेरे को क्या लग रहा है फ्रैंकली ने तो अटैक नहीं करवाया ना ये, तो कैसे मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या कौन हो सकता है ये, मेरे को तो कैसे ये जो काम नहीं है फ्रैंकलिन के लग रहे हैं, क्योंकि अंडर वाटर माफिया अगर नॉर्थ हैंगटन से यहाँ पर आया तो नॉर्थ हैंगटन से यहाँ पर आने में उन जो गैंग है ना काफ़ी टाइम लग जाता, और अगर आती तो इतनी सी नहीं आती काफ़ी ज़्यादा आती, और कैसे अभी ना अंडर वाटर माफिया मेरे को कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो कैसे इस घर में सीसीटीवी तो है लेकिन कैसे अभी नहीं पता कि यार सीसीटीवी काम करते नहीं करते, कोई बंदा ही नहीं बचा भाई, और एक दो बंदे ना यहाँ पर और चला रहे हैं, तो कैसे ये काम मेरे को फ्रैंकलिन का ही लग रहा है, मैं कन्फर्म हूँ यार, अब पता नहीं यार फ्रैंकलिन होगा या नहीं, तो एक दो बंदे और चला रहे हैं, बेटा नीचे की तरफ आ गया मैं इसका मुंह तोड़ दूँ और कुछ नहीं, तो कैसे अभी देखते हैं यार ये जो काम है किसका है, और मेरे को वो जो बंदा वो दिख गया, बेटा तेरी ऐसी की तैसी मैं वहीं पा रहा हूँ, तेरी भैंस निकल आ रही, इतनी देर से बंदा ने जो ना मार जा रहा है, मैं इतनी देर से नोटिस कर रहा था तेरी ऐसी थे, तो कैसे ये जो गैंग है ये कौन सी गैंग है भाई, कोई अलग ही टाइप की गैंग लग रही है, तो कैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यार ये जो काम है ये किसका हो सकता है, तो कैसे आई थिंक आज के वीडियो के लिए बस नहीं लगता, आई आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, मैं मिलता हूँ उसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।